कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। आधी रात नहीं, दिन चढ़ चुका है। मैं शैला बाजी के घर जा रही हूँ, अम्मी पूछे तो उनको बता देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अब सो मत जाना, अच्छा? हेलो। अरे आपके घर में कहीं चूल्हे की गैस तो नहीं फैल गई जो सभी लोग बेहोश हो गए? सुबह से 50 मरतबा फोन कर चुका हूँ मैं आपको, अभी इस घर में सुबह नहीं हुई। एनीवेज आप शैला बीबी को बता दीजिएगा कि माहीन का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। ठीक तो है वो, मैं भी। वैसे आप चेक कर लीजिएगा कि बाकी गैसें खुली रह गई हो। आपकी आवाज से भी अंदाजा हो रहा है कि बेहोशी के असरात हैं अभी तक। थैंक यू, खुदा हाफिज। गैस से नहीं, ये लोग दौलत के नशे में बेहोश हैं। अरे कौन है? क्या किरामत आ गई? नजर आ गया, तूफान आ गया, कौन है? शैला, माइन का एक्सीडेंट हो गया। अरे तुम्हारी तो जुबान है ना, कोई मनहूस है।
कभी कोई अच्छी खबर ना सुना रहा। अब यहाँ से दफा हो जाओ, नहुसता फैला रहे यहाँ पे, जाओ दफा हो जाओ। बहू बेगम जी, ये क्या सुबह सुबह तुम तलाशियां लेती हो कमरे की? ये जासूसी की आदत है ना तुम्हारी, छोड़ दो इसे। हॉस्पिटल रूम नंबर क्या है? अयूब हॉस्पिटल रूम नंबर 8। ओह सुनिए, एक सहेली ने अपनी जान खतरे में डाल दी और दूसरी को यह भी गवारा नहीं हुआ कि यही पूछ ले कि माहीन अब कैसी है, एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मुझे तो ये गुस्सा आ रहा है कि उसको मुसीबत क्या थी इतनी सुबह सवेरे निकलने की। आप हलाक हो गई थी, गोली लगी थी आपको। मुझे वो गोली अभी बनी नहीं और वो मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। मेरा मतलब है ख्वाब में। मेरा ख्याल है माहीन से बड़ा इडियट कोई नहीं है। इडियट तो खैर नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत में अंधी होकर फुल स्पीड गाड़ी चलाते हुए आपकी तरफ जा रही थी ये देखने के लिए कि आप जिंदा हैं या। उसने बहुत बड़ी गलती की। मेरा ख्याल है उसे इस काम के लिए आपको उठाना चाहिए था। आप इतना तेज रफ्तारी से निकलते और आपका एक्सीडेंट होता और छोड़िए। शैला को पता ही नहीं होगा, अगर उसको किसी ने बताया होता ना तो वो उड़ती हुई आती। तुम दोनों की दोस्ती, माहीन और शैला की दोस्ती, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगी। लेकिन बेटा, लेकिन से आगे बात ना करना अम्मा, लेकिन से आगे नसीहत शुरू होती है। मैं नसीहत से भी आगे की बात कर रही हूँ बेटा। फिर तो वो पेशन गोई होगी ना, प्रिडिक्शन। मैं मजूनी नहीं हूँ बेटा, मैं तजुर्बे की बात कर रही हूँ। लड़कियों की दोस्ती क्या होती है, कल को शादी हो जाएगी, फिर अपना अपना घर, अपनी अपनी मंजिल। नहीं, आप अपना तजुर्बा अपने पास रखिए, हम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और हम हमेशा साथ रहेंगे, शादी के बाद भी। शैला और माहीन, बिकॉज डायमंड्स आर फॉरएवर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हमारी दोस्ती तो डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। वाह 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 आंटी, वैसे आप इसमें नादान किसको साबित करने की कोशिश कर रही हैं? शायर को, क्योंकि फूल की पत्ती से तो हीरे के जिगर निकला। लो, तुमने आंटी को तो जवाब देने नहीं दिया। आंटी, ये जो रिंग है ना, ये डायमंड की है और इसका नाम है मार्की, ये फ्रेंच है और पूरे शहर में एक ही है मेरे पास। दोस्ती का रिश्ता फूल की तरह नाजुक है या पत्थर की तरह सख्त, ये तो वक्त ही बताएगा। अम्मा, अब आपके जाने का वक्त हो गया, शैला आ गई है, ये मेरे पास है और अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, फिर मैं तुम्हारा खाना लेके आऊंगी, ख्याल रखना। बाय बाय। अच्छा ये बताओ, मुझे गोली कहाँ लगी थी? तुम तो खाप भी मेरे बारे में बुरे बुरे देखती हो। मैं तो खाप देखकर भी घर से भाग गई थी और तुम मेरे एक्सीडेंट का सुन के पूरे 5 घंटे बाद आई हो। अच्छा बताओ, ये वाकई चोट लगी है या ड्रामा ही है? बस सिर्फ यहाँ ऊपर से स्किन उतरी है, असल मकसद तो तुम समझ गई हो ना, हमें साथ रहे हुए कितना अरसा हो गया था। तो सुनो, डॉक्टर आया था, 2 भाई हैं, ये किया हुआ किसी बैंक में नौकरी करता, दोनों हुआ रहे हैं। इस बार चांस मिस नहीं करना, जिंदगी के साथ रहने का ये आखिरी पल। अरे छोड़ इसे, मेरे बच्चे से दूर रहो। बड़ी ए,
खानी, मेरी आई पूरे घर की बर्बादी का तू ही जिम्मेदार है। सास तक को घर से निकाल दिया, मेरे बच्चों की तू करता वो भागा था तेरी वजह से। और छोटी नान तेरे आगे हाथ जोड़ती रही पर तूने उसे निकाल के दम लिया। और बड़ी नान, अरे बिजली पसंद उसके घर की रोशनियां बुझाने वाली तू है तू। अब तेरा मियां कहां गया, डॉक्टर साहब जिसे बड़ा तुझे जरूर था? और तेरा सीए कहां है, कुछ पता चला उसका? वो तो कमाता था, सारा घर मिलके तुम लोग खाते। अरे चारी तनख्वाह क्या थी तेरे मियाँ की, इससे ज्यादा तनख्वाह तो मेरे बाप की नौकरों की है। तेरे बाप ने तुझे दिया क्या था, बड़ी दौलतमंद बाप की बेटी है, हर चीज इस घर में मेरी है। टीवी मेरा है, डीप फ्रीजर मेरा है, फ्रिज मेरा है, माइक्रोवेव मेरा है, हर चीज तो मेरी है। अरे मेरा जेवर देखे हश पड़ गया था तुझे, तेरी 10 पीढ़ियों ने ऐसे गुलूबंद झोंकर झूमर चीजें नहीं देखी ख्वाब में भी। तो फिर गिनती शुरू कर, तेरी गिनती खत्म हो जाएगी, मेरा जेवर नहीं खत्म होना। गुलूबंद हो चाहे चोकर हो चाहे धार हो टीका हो, मेरे पास है। तेरा खसम खुदकुशी करने में नाकाम होकर जेल में पड़ा है। और तेरे मियाँ का क्या बना, वो जो पागल खाने पहुँच गया तेरी 10-10 लंबी जबान के हाथों। हाय मेरे सर का दर्द बढ़ गया तेरी बातें सुन सुन कर। चलो बच्चों तुम लोग इधर मत बात किया करो। भाई मैं तो नहीं बनूंगी तुम्हारी निशानी। मैं तो बनूंगी ना तुम्हारी देवदानी। जिंदगी में एक दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर। हाँ बस ठीक ही थी। हाय मुझे बड़े ही बुरे लगते हैं ऐसे लोग इनके पास हो ना इतना, पीछे से ऐसे कमी कमी और फिर शो ऑफ करें। बाली, बाली, जी, जी आए भाभी। हाँ मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बाली, बाली इधर आ। जी। इधर आ, इधर आ। जरा होल्ड करना एक मिनट। पहले तुझे मैंने बुलाया कि उसने बुलाया? भाभी जी। भाभी जी ने? भाभी जी ने है मासी, भाभी जी की कमीनी। या चाले का 9 बारी कह चुकी हूं। हाँ फिर चलने पार्टी में शाम को कि नहीं? कुछ नहीं वो कमीनी बाली, मैं बुला रही हूं तो उधर जा रही। हाँ हाँ चलो ठीक है। मेरी जिंदगी का असूल है काम सर पे खड़े होकर नहीं, बड़े के सर के बाल खींच के चलना चाहिए। ऐसे काम करने वाला यहाँ से काम करता है। जल्दी कर, अरे अच्छी तरह कर, अच्छी तरह कर, मिट्टी उतार, मिट्टी उतार उसके ऊपर से। चौधरी मंजूरीन के पूछ रहे हैं मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जल्दी कर, जल्दी कर, चल जा, चल ये भी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। मैंने तुम्हें कई बार कहा है अपने काम से काम रखा करो, मुझे गैर जरूरी सवालात पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि तुम कहां जा रही हो। तुम भी तो बाहर जा रहे हो। मैंने तुमसे पूछा? सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। और जवाब देना मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। और आइंदा अगर मुझसे सवाल किया ना तो इसका जवाब अब्बा देंगे। सारा दिन मोटरसाइकिल पे आवारागर्दी करने के बजाय तुम्हें आता क्या है? बात सुनो मेरी। नहीं सुनती तो मैं सुननी पड़ेगी। क्या करोगे? गुड फॉर नथिंग। गेट आउट ऑफ हियर। शट अप। यू शट अप। आपके जूतों की चमक देखकर ना ऐसे लगता है कि आपको ना अपने मुल्क की मट्टी से प्यार ही नहीं, जूतों पर मट्टी पड़ने ही नहीं देते हो। आपकी जिंदगी करे देखो जी, आपने तो बिल्कुल मेरे सियासतदान दोस्त सरदार के सर हाथ वाली बात कर दी है। अच्छा एक दिन मुझे सरदार साहब कहने लगे, चौधरी साहब मुझे इस मुल्क की मट्टी से बड़ा प्यार है। मैंने कहा सरदार साहब कहें तो 2-4 ट्रक मट्टी के फिकवा दू। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहना था, सियासतदान आदमी है, बड़ा चलाक आदमी है। और मुझे कहने लगा कि खुद तो दौलत के ट्रक भर भर के इकट्ठे कर रहे हो, ये तुम नहीं तुम्हारी दौलत बोल रही है। मैंने कहा कि सरदार साहब वो इस मुल्क की दौलत को मुझसे इश्क हो गया है। जहां देखती है
اپنا رستہ خود ڈھونڈتی ہے میری طرف آنے کے لیے. میرے پاؤں میں آگے گر جاتی ہے, میں ترس کھا کے اٹھا لیتا ہوں. ہائے ہائے چوئسا, میری طرف دکھا دیا کرو نا, میں گلے لگا لوں. اور اس ملک کے ارب پتی اور کروڑ پتی لوگوں نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا نکو جی, ہے جی, کہ ڈالر کا بھاؤ جو ہے چودھری جی آپ کے کہہ کے حساب سے چلتا ہے. جتنا اونچا آپ کا کہہ کا ہوتا ہے ڈالر کا ریٹ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے, اور جتنا کہہ کا نیچے. اللہ کا نام مانو, اللہ کرے آپ کا کہہ کا اونچا ہی اونچا ہو, آپ آگے آگے جاؤ چوئسا. اور نیچے اور پیچھے تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. جو آدمی اپنے ماضی کو دیکھتا نا وہ مستقبل میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے ماضی کو کاٹ کر پھینک دو, جس طرح چنگیز خان گندرے کاٹ دیا کرتا تھا. پرانی چیزیں, پرانے لوگ, پرانی محبتیں, پرانے رشتے ناطے, یہ سب میں بڑے پرانے جوتوں کی طرح اٹھا کر پھینک دیتا ہوں. نکو جی تھی ادھر شیرہ بہن اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں, خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے, اور صبح کا بھولا شام کو گھرا ہی جاتا ہے. اسے دل برا نہیں کیا کرتے, اچھے وقتوں کی یاد انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے. آپ میری بات کی جگہ, میں نے تو آپ کو بھائی سمجھا ہی نہیں. آپ کی باتیں سنتی ہوں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, دماغ کا نہیں. اور پھر تندر چولہے تو پان پان کی ہمارے گھروں پر تو چھت ہے نا, ذرا ان کے بارے میں سوچو جس کے سروں پر چھت ہی نہیں ہے, جنہیں دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. یہ جو سچ 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 آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا, یہ جھوٹ ہے. خون کے رشتے جھوٹ ہے, اپنے اپنے ہوتے ہیں جھوٹ ہے. یہ چھت بھی اب گرنے والی ہے, ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آئے گی. آپ کا یہ سچ باہر مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا ہے گلی میں, جس کو دیکھ کر لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. انٹرویو دینے گئے تھے کیا نا؟ مجھے نوکری کبھی نہیں ملے گی, غربت کبھی ختم نہیں ہوگی, حالات کبھی نہیں بدلیں گے. میں جب تم جیسے نوجوانوں کو مایوسی کی باتیں کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے تو تمہاری عمر میں اس خطے کا نقشہ بدل دیا تھا, اور تم اس ملک کے حالات نہیں بدل سکتے. ہمارے سامنے ایک مقصد تھا, ایک منزل تھی, ایک لیڈر تھا. ہمارے سامنے کوئی مقصد, کوئی منزل, کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ تم سچ کہتے ہو بیٹا, تمہیں مقصد تلاش کرنا ہوگا. میں مقصد تلاش کروں یا نوکری؟ اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے بیٹا. ابا جان, اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے,
और वो है हमारा पेट। हमारा मुल्क गरीब नहीं है बेटा, ये तो कुदरती और मादरी वसाइल से माला माल। अगर डाकुओं, लुटेरों और चोरों ने 14 करोड़ आवाम की दौलत को दोनों हाथों से लूटा है, लेकिन तुम जैसे नौजवानों ने मिलकर एक ताकत बनकर इन चोरों और डाकुओं के हाथ काटने हैं, नहीं तो हम अपनी आजादी से दूर हो जाएंगे बेटा। मेरी नस्ल के नौजवानों ने इस मुल्क को बनाया था और आज तुम्हारी नस्ल के नौजवानों ने चोरों और डाकुओं से इस मुल्क को बचाना है। ये खुली जंग है मुल्क लूटने वालों और मुल्क बचाने वालों के दरमियान। अब्बा जान, मेरी मां सिर्फ इसलिए मर गई कि आपके पास उनके इलाज के पैसे नहीं थे। आपकी जिंदगी का मकसद मेरी मां की जिंदगी नहीं बचा सका। खालिद, तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो। अरे ये मेरे बड़े भाई हैं और आज तक मैंने इनसे उनकी आवाज में बात तक नहीं की। अरे अगर ये चाहते तो आज लाखों और करोड़ों के मालिक होते, लेकिन इन्होंने नेकी और सच्चाई का साथ दिया। अरे कभी अपनी खिदमत का जिक्र तक नहीं किया। इस मुल्क और कौम के लिए भी कुर्बानियों की दुकान नहीं सजाई इन्होंने। अरे कभी मदद नहीं मांगी किसी से। पहले जैसा हौसला, सबर और बर्दाश्त तो पैदा कर। क्या जिंदगी है यार, यहाँ पे कोई कुछ फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे ना नौकरी है, ना कोई बात, ना पैसा, क्या करें यहाँ पे? यार मुझे तो फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। यू नो मेरे बाश ने अमेरिका में बहुत सारी जायदाद खरीद रखी और मैं तुझे वहाँ पे मुलाजिम रख सकता हूँ। खेलू मेरा बच्चा। मुझे तो यूरोप की रंगीनियां पसंद। लेकिन क्या करूं, मेरे बाप के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। मेरे डैड ने तो कनाडा में इमिग्रेशन ले ली। बेग, बोरो एंड स्टील, यही इन गरीब आदमियों को कदर है। कूल 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 कूल। यार क्या यार, व्हाट इज दिस यार? दिस इज ये बाबू सिंह की रेमिटेंस कितनी है? 2 करोड़ सर। मिलियंस में बताया करो, मिलियंस में बताया करो। लोकल डिसबर्समेंट कितनी है? ओवर 10 मिलियन सर। ठीक है जाओ जाओ। ओके सर। हाँ भेज दो। हाँ सुनो, यूरोप की रिपोर्ट क्या वो 4 बजे से पहले सबमिट होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है। ओके आइए सरदार साहब, आइए। वैसे एक बात है, तुम हो बड़े बड़े सियासतदान हैं और तुम्हें मालूम है कि मैं किस काम से आया हूँ, फिर भी तुमने मजबूत कुर्सी का जिक्र छेड़ दिया ताकि असल मसले से तवज्जो हट सके। और सरदार साहब,
اور تو کنگ میکر ہے سیاست دانوں کے سیاست دان ہے جی نواب کی تو بچہ کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے آپ کے سیاسی شعور کی تو ایک دنیا قائل ہے ہمارے سمیت یہ کل کا ڈوبتا ہوا جاگیردار اور آج کا ابھرتا ہوا سرمایہ دار کس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں بھائی کمال ہے بھائی کمال ہے بھائی بھابھی بات یہ ہے آپ کے بغیر تو کوئی سازش کامیاب ہی نہیں ہو سکتی ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی سیاست میں ہونا چاہیے تھا کیا خیال ہے جیسے جس سیاست میں میں ہوں نا سردار صاحب وہ سیاست کی ماں ہے ماں اور ہماری ماں تو بچپن میں ہی گزر گئی تھی معیشت اور اقتصاد یار یہ جو آپ لوگوں کی سیاست ہے نا یہ ان کی کوکھ سے جنم لیتی نئے مرنے کی بات بتاؤں آپ کو آج کے اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ عوام کی دولت کو لوٹنے والوں کو ملک سے فرار نہیں ہونے دیا جائے گا یہ بھوکی ننگی عوام کو کون لوٹے گا جن کی اپنی جیبیں خالی پڑی ہیں ایک خطرہ تو ہو پیسے والوں جن کے پاس دولت ہے اسی لیے کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنی اپنی دولت وہاں پہنچا دو جہاں محفوظ ویسے آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے 63.55 روپے کمال ہے بھائی جب پاکستان بنا تھا نا تو ڈالر صرف 3.55 روپے کا تھا 52 سالوں میں 52 روپے سے بھی زیادہ گر گئی ہے روپے کی قیمت اور ڈالر کی قیمت چڑھی لے جی لگتا ہے ڈالر اور پاکستان ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں 3.55 روپے کا ڈالر اگر ہوتا نا جی میرے زمانے میں تو میں اپنی ساری زمینیں دوسروں کی زمینیں دے دلا کے نا جی میں نے سارے ڈالر خرید لینے تھے ویسے یار تم نے زمین چھوڑی کون سی ہے ویسے آپ اس کی بات ہے یار ایک بات ہے میری رقم نیو یارک نہیں پہنچی رقم تو وہاں پہنچ گئی ہے سردار صاحب آپ کا بندہ ہی وہاں نہیں پہنچا اور پھر میں نے ٹھیک ہی کہا نا کہ سارا قصور تو عوام کا ہی نکلا آپ کو تو پتہ ہی ہے سردار صاحب کہ ہمیں عوام سے کتنی محبت ہے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی مجھے تم سے سخت نفرت ہے آج ہماری محبت کی پہلی سالگرہ ہے نا اور اس محبت کی پہلی سالگرہ پہ تم مجھے کیا گفٹ دو گے نفرت دل میں بھری بہت ساری نفرت اتنی نفرت کہ وہ محبت میں تبدیل ہو جائے تمہاری کھوپڑی الٹی ہے تمہیں پتہ جب انسان ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں نا پھر آخر میں وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے میں تم سے بہت نفرت کروں گا آئی ہیٹ یو میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا تو میں نے خوشبو دریافت کی تھی تم سے ملنے سے پہلے مجھے تجربہ نہیں ہوا تھا کہ آنکھوں میں بھی پھول کھلتے ہیں Thank you.
हम एक पौधा लगाएंगे। तुम्हें पता है मोहब्बत होती नहीं है, उगती है, खिलती है। मम्मा बेटा आ गया। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। स्कूल से आती तो सलाम नहीं करती तू? ये तेरी माँ ने तरबियत दी तुझे? स्कूल में हम सब बच्चे अपने टीचर को सलाम करते और प्रिंसिपल को देखकर सब भाग जाते। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या कह रही, क्या कह रही, क्या कह रही है तू, क्या कह रही तू, क्या कह रही है? मैं डराती हूँ तुझे, बदनाम करती हूँ तुझको। दफा। सब की भी कोई हद होती है। आइंदा आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो हाँ हाँ मुकम्मल कर फिक्र। तो धमकी दे रही मुझको तो? ले 200 फिर टोनी मैंने 400
तुम दोनों 40 चल रहे हो? चल तो ये बात बता, इसके पत्ते बहुत पक्के हैं इसलिए ये 4 चल रहा है। मैं नहीं खेल रहा। ये क्या खेलेगा? मैं नहीं खेल रहा। तुम क्यों, क्या बटा के? तुम दोनों खेलो। यार ये क्या बात है? तुम ये कोई बात नहीं है समझो, तुम लोग खेलो। मम्मी ये फेयर नहीं है, गेम में इस तरह भाग नहीं सकते यार, खेलो तुम। यार मैं नहीं खेल रहा। नहीं यार नहीं। चलो गरीब तू खेल। अबे ओ पानी पी ले, खेलो खेलो। चल सैम देख लेता हूँ तुझे। चल चल ये ले, ये ले, ये ले। ये क्या कर रहा? तू क्यों दे रहा उसको? तू पैसे नहीं दे सकता उसको, ये गेम में ये सब नहीं चलेगा। मैंने उसके पैसे देने। ये फेयर नहीं है। सो व्हाट यार, चल यार इसको फंसा डबल। चल दो हजार किए, अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? पैसे हैं तेरे पास? पैसा बहुत है मेरे पास। पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है। पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अरे पैसे तो हम गरीबों के लिए बाहर सड़कों पे बिखरे पड़े हैं। कहता तो तू ठीक है। चल चलो चलो Thank you.